इस क्वेश्चन में उसने पूछा है द मॉलिक्यूल रिप्रेजेंटेड बाय द अबव टू स्ट्रक्चर्स आर, दो स्ट्रक्चर्स पूछ रखे उनके बीच का रिलेशन जानना चाहता है, ठीक है रिलेशन बता देंगे कैसे पूछ रहा है वो। अब देखिए बच्चों यहाँ पर भी हम एक ट्रिक को देखेंगे, अदरवाइज हम आरएस नोमेनक्लेचर का हेल्प ले सकते हैं, बट यहाँ पर हमारे पास चार कायरल सेंटर बनेंगे है ना, दो हर एक कार्बन के मॉलिक्यूल में अवेलेबल है, तो हम चारों पे आरएस निकालना होगा। उससे अच्छा हम क्या ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम किसी एक मॉलिक्यूल को कॉन्स्टेंट सेम रखते हैं और दूसरे मॉलिक्यूल को उस शेप में ले जाने की कोशिश करते हैं। कैसे, आइए जरा देखते हैं। जैसे मान लीजिए मैं अपने इस मॉलिक्यूल को कॉन्स्टेंट रखना चाहता हूँ, इस मॉलिक्यूल को सेम रखूंगा और मैं अपने रेड सर्कल वाले मॉलिक्यूल को ब्लू सर्कल वाले मॉलिक्यूल की तरह दिखाना चाहूंगा। तो ब्लू सर्कल के अंदर देखो आपके पास पता है हाइड्रोजन यहाँ पर लाइन के अंदर ला रहा है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, इस हाइड्रोजन को इस तरफ शिफ्ट करना होगा। तो जैसे ही बच्चों ये हाइड्रोजन इस तरफ शिफ्ट होगा सी एस थ्री की तरफ, तो सी एस थ्री इस तरफ शिफ्ट होगा, रोटेट होगा ना भाई बॉन्ड, और ओएच किस तरफ शिफ्ट होगा आपका इस तरफ। तो अगर मैं एक शिफ्टिंग के ऊपर नजर डालूं तो यहाँ पे कैसे शिफ्टिंग होगा बच्चों, मॉलिक्यूल कुछ ऐसा बना, इन द वेरी सेम वे बच्चों आपके पास देखेंगे जिसको हमने कॉन्स्टेंट रखा है मॉलिक्यूल को, उसके अंदर बी आर यहाँ पर नीचे की तरफ है, तो हम अपने रेड सर्कल वाला मॉलिक्यूल के अंदर भी बी आर को नीचे की तरफ लेकर आएंगे। वो कैसे आएगा, बी आर इधर नीचे की तरफ आया, सी टू एच फाइव ऊपर की तरफ जाएगा, सो एच विल शिफ्ट टू दिस पोजिशन। सोल्व करते हैं इसको भी, बी आर मेरा आया नीचे, सी टू एच फाइव आया बच्चों मेरा इधर, एंड एच मेरा आया इधर। ओहो ये मॉलिक्यूल तो आइडेंटिकल आ गए। देखिए बच्चों यहाँ पर सब तरफ OH क्या है, लेफ्ट साइड है आपके, यहाँ पर भी OH आपके क्या है लेफ्ट साइड पे, OH और H, CH3C2H5 आपके राइट साइड पे है, CH3C2H5 आपके राइट साइड पर है, Br बिलो हाइड्रोजन अबव, देखा। तो यहाँ पर हम बिना RS की हम सीधा अपने आंसर तक पहुंच गए, ये एक ट्रिक का है ना बच्चों, इसका इस्तेमाल करके हम सीधा अपने आंसर तक पहुंच गए, अदरवाइज हम RS भी कर सकते हैं जैसा मैंने पिछले क्वेश्चन के अंदर आपको बताया है। सो आइडेंटिकल विल बी द आंसर।